सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के चेयरमैन तारा सिंह ने नांदेड़ पहुंचकर बदनवानी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और इसे सियासी साजिश से ताबीर किया। गुरुद्वारा बोर्ड में बदनवानी को लेकर दो ग्रुप हो गए हैं। हाल ही में नाराज ग्रुप ने चेयरमैन तारा सिंह पर बदनवानी के संगीन इल्जाम लगाते हुए नए चेयरमैन को नामजद कर दिया था। अब बोर्ड के चेयरमैन तारा सिंह ने नांदेड़ पहुंचकर मीडिया से खिताब किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उन पर सियासी साजिश के तहत इल्जाम लगाए गए हैं। इन्होंने वजाहत की कि इनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद है। इन्होंने तमाम इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। बोर्ड के 17 मेंबर हैं और 17 मेंबर में से कुछ लोग 1.5 बरस तक मेरे साथ रहे, अभी वो अलग से अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोई अपने आप को अध्यक्ष बोलता है, कोई अपने आप को सेक्रेटरी बोलता है, कोई कैशियर, कोई एजुकेशन का चेयरमैन, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। ये सब गलत है। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर सचखंड गुरुद्वारा साहिब में मुझे चेयरमैन बनाया है और चेयरमैन के नाते मैं सेवा कर रहा हूँ। जो मेंबर आते हैं उनको साथ में लेता हूँ, जो नहीं आते कायदे अनुसार मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। एक रुपए का भी भ्रष्टाचार कोई मेरे ऊपर सिद्ध कर दे तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। बोलने में क्या जाता? अभी बदनामी देखो, मैं किसी का मुँह बंद तो कर नहीं सकता। अभी मैं चाहूँ तो उसकी कितने कितने कितनी रिश्वत कहाँ कहाँ है वो मैं दिखा सकता हूँ, पर मेरा काम गुरु घर की सेवा करना है। उनके बोलने से मेरा कोई फर्क पड़ने वाला